का स्वागत है और कुकिंग आर्ट में हम आज बनाने जा रहे हैं परमल की सब्जी। चलिए बनाते हैं। परमल को धो लिया है और परमल को धोने के बाद इसमें से बीच में से फाक कर लिया है और इसके अंदर का गूदा सारा निकाल लिया है। ये देखिए, ये रहा इसका गूदा और इसको निकाल लिया अंदर से पूरा मसाला इसका। और लहसुन प्याज का पेस्ट हमने बना लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हम इसमें डालेंगे जीरा, तेल गरम होने के बाद, और उसमें डालेंगे हम जीरा और डालेंगे थोड़ी सी हींग। अब इसको अच्छे से भूनने देते हम डालेंगे लहसुन। लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी प्याज, प्याज का पेस्ट डाल देंगे पूरा हम, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये भून गया तो हम इसमें डाल देंगे ये वाला पूरा मसाला जो हमने परवल की में से निकाला था, इसको भी भून लेंगे हम साथ में। अब ये भून गया है तो अब हम डाल देंगे थोड़ा सा बेसन इसमें, एक और दो, दो चम्मच डाला है। अब तक हम देखते हैं इसको अच्छे से भूनता है। इसको अच्छे से भूनना है कि कच्चा कच्चा ना लगे बाद में। बेसन का मसाला पक गया है, हम डालेंगे थोड़ी सी इसमें नमक अपने हिसाब से डाल लेने का, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया, आधा आधा चम्मच डाला सब कुछ हमने। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं सब कुछ, और इसको भून लेंगे अच्छे से। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और अपने जो परमल हमने काट के रखे हुए हैं उनको उसमें भर देंगे। करेला काट के जो रखा हुआ है इसमें मसाला, करेला नहीं सॉरी परमल, इसको मसाले में इसको भर देंगे और इसमें हम धागा लपेट देंगे और धागे से इसको अच्छे से रैप कर देंगे जिससे कि मसाला बाहर ना निकले। तो ये सारे परमल हो गए रेडी, और देखिए हमने सारे परमल में धागा और मसाला रैप करके रख दिया है। चलिए इसे अब फ्राई करते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें तेल रख दिया है उसी वाली कढ़ाई में, और हम इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे। अब ढक देते हैं और इन्हें पकने के लिए छोड़ देते हैं। चुके हैं इसको, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए हमारे परमल रेडी हो गए हैं और हमने इनको सर्व भी कर दिया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ थैंक यू।